हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना मास्टर आयल्स। दिस वीडियो इज फॉर द कॉमन मिस्टेक्स ऑफ आयल्स रीडिंग मॉड्यूल। व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू ऑल आर मेकिंग, जिसकी वजह से आपके बैंड्स नहीं आते, आप हमेशा स्टक रहते हो। 5.5 बैंड्स आते हैं, हमेशा 6 बैंड्स आते हैं। स्टूडेंट्स के हमेशा मुझे मैसेज आते हैं, मैम वी आर नॉट इम्प्रूविंग, हमने 3 बार एग्जाम दिया, हमने 2 बार एग्जाम दिया, बट फिर भी हमारे बैंड्स नहीं आ रहे। उसका एक बेसिक रीजन है, आप अगर वो समझ आए तो आपके बैंड्स आसानी से आ सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक दैट यू ऑल आर डूइंग इज इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शंस। अगर वहां पे लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स, इट मीन्स दैट आप नो मोर देन 3 वर्ड्स ही करोगे। मीन्स आप इसमें 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर लिख सकते हो, लेकिन 3 वर्ड से ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच आना चाहिए कि विच वर्ड इज रिक्वायर्ड, विच इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड टिप है, जो बहुत ज्यादा आप मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज क्वेश्चन बुकलेट यूज करते हो, आंसर शीट यूज नहीं करते। सी गाइज, यू डोंट हैव इनफ टाइम, आपके पास एडिशनल टाइम नहीं है जो हमें लिसनिंग में मिलता है। सो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट पे आंसर लिखोगे, सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दे राइट ऑन द क्वेश्चन बुकलेट, जिसकी वजह से उनका टाइम लेस होता है। दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर द आंसर्स, एंड यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम उनके बैंड्स कट सकते हैं। थर्ड मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, यू आर रीडिंग द एंटायर पैसेज। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट कर रहा है, कि ही इज ट्राइंग टू रीड ऑल द 3 पैसेजेस केयरफुली, और बाहर आके पूरा का पूरा वो सुनाते भी है। माई स्टूडेंट्स हैव डन दिस वे, बट आई हैव टोल्ड देम हाउ टू डू, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, एंड देन दे हैव स्कोर्ड रियली वेल। 13 to 14 क्वेश्चंस है, टोटल 40 क्वेश्चंस है, आपके पास सिर्फ 1 आवर है, 60 मिनट्स है। एंड अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, हाउ विल यू बी एबल टू कवर अप दिस। मीन्स आपके पास इतना टाइम नहीं है गाइस कि आप पूरा का पूरा रीडिंग पैसेज पढ़े। स्टार्ट यूजिंग द स्किमिंग मेथड। फोर्थ मिस्टेक इज इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, सपोज इन माय रीडिंग पैसेज आई हैव हेडिंग्स, आई हैव एमसीक्यूज, एंड आई हैव ट्रू फॉल्स। सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी डन फर्स्ट, विच कैन बी डन लेटर, दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस, योर प्रेपरेशन। आई विल नॉट ट्राई द हेडिंग्स क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट? सो नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू हैव लैकिंग इन फाइंडिंग द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि कुछ ट्रांजिशन हो गया, हाउ एवर, बट, निगेशंस हो गई, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट, नीदर नॉर, राइट? सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर द की वर्ड, जिससे हमें पता चलता है कि आंसर कहाँ पे होगा। बट द स्टूडेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड द की वर्ड्स, दे आर जस्ट फाइंडिंग वो द प्रॉपर नाउन्स, दैट्स इट, एंड दैट इज वाई दे आर अनएबल टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट वन इज अननोन वोकैबुलरी। यू गेट हैपहैज़र्ड अगर आपका वोकैब जो है, अगर आपको वो नहीं आता, अगर ऐसा कोई वर्ड है विच इज नॉट गिवन देयर एंड यू, या आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो आप सिर्फ उसी को देखते हो और बाकी सब छोड़ देते हो। लीव दैट पार्ट वेयर यू आर स्ट्रगलिंग विद द वोकैबुलरी पार्ट। नेक्स्ट मिस्टेक इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखिए, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम एंड आपको इसको इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन पहले करे, कौन सा पैसेज पहले करे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द पैसेज यू कैन सिलेक्ट दैट। एट्थ वन इज इग्नोरिंग द मेन आइडिया। मेन आइडिया मीन्स व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ योर आइल्स एग्जाम, मीन्स पैसेज में क्या पूछा गया है। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द हेडिंग, द टाइटल, एंड यू जस्ट स्किप दैट, यू स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स क्विकली, एंड दैट इज व्हाई यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट। नाइन्थ वन इज अनअवेयर ऑफ द एलिमिनेशन मेथड, द बेस्ट टेक्निक दैट यू कैन यूज इन योर रीडिंग टू स्कोर बेटर। 7+ आसानी से आएंगे अगर आप ये एलिमिनेशन मेथड यूज करें, एंड यही मेथड हमारी क्लास में करवाया भी जाता है। अगर आप वो चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर जो है वो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑब्वियसली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर द इम्पॉर्टेंट वंस। अगर आप उसको ग्रामर को आप ध्यान में नहीं देते हो, कंसिडर नहीं करते, तो यस, देन यू विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम। नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको हर एक चीज पार्ट ऑफ द स्पीच स्पेशली आना चाहिए। ग्रामर मेक्स यू कॉन्फिडेंट, और उसके ग्रामर हर एक
मॉड्यूल में इम्पोर्टेंट है. सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू ऑल आर मेकिंग, प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स. और मैंने जो टिप बताया है साइमल्टेनियसली उसको जरूर यूज करें, राइट? सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, कीप लर्निंग, एंड जरूर देखते रहिए सपना मास्टर आयल्स, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आयल्स एग्जाम. टेक केयर एवरीवन.